कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिकता अधिकार। जैसा कि अभी आपने मोदी जी को कहते हुए सुना कि अगर मान लीजिए किसी एक परिवार में कई सारे लोग हैं और सबके लिए अलग अलग नियम कायदे कानून बना दिए जाएं तो घर परिवार चलेगा कैसे, ये बात लॉजिकली सही भी लगती है। देश में अभी ऐसा ही है, अलग अलग धर्म समुदाय के लिए कुछ अलग अलग जो है वो रूल रेगुलेशंस भी हैं। हाँ, वो बात अलग है, अगर क्रिमिनल कोई एक्ट बनता है, कोई क्राइम करता है, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेम है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में, धर्म के मामले में, शादी के मामले में, बच्चा गोद लेने के मामले में, संपत्ति के अधिकार के मामले में, इन सब चीजों में, संपत्ति के बंटवारे के मामले में आज भी देश में अलग अलग एक्ट और अलग अलग रूल रेगुलेशन चलते हैं जो कि धर्म के हिसाब से बनाए गए हैं। चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉज हो, मुसलमानों के लिए हो, या क्रिश्चियनिटी में हो, या बौद्धिज्म में, सिखिज्म में, इन सब के कुछ अलग अलग धर्म के हिसाब से कायदे कानून हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि इन सब कानूनों को हटा करके एक ही कानून के दायरे में इसको ले लिया जाए, मींस के पूरे देश में हर चीज को लेकर के एक समान रूल और रेगुलेशन हो। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा सरकार कर सकती है, और सरकार अगर ऐसा करती है तो उनके पास क्या तर्क है। देखिए, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 44 ये बताता है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्लूड और टू इम्पोज और टू सेटल आउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि पूरे देश में समान नागरिकता हो। माने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लेकर के आए और लोगों के ऊपर ये अधिकार या ये रूल रेगुलेशन बना करके उनको बताए, समझाए कि भाई आप देश के नागरिक हो तो सभी नागरिकों को समान ही ये चीज जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। अभी तक देश में अगर किसी राज्य की मैं बात करूं तो ऐसा केवल एक स्टेट में है, वो है गोवा। और गोवा के अंदर ये बहुत पहले ही हो चुका है, 1860s के आसपास तब से ये लागू है। वहां पर अगर आप कोई भी मैरिज करते हैं तो उसको रजिस्टर कराना होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिहाज से उसको वैलिड नहीं माना जाता है। हाँ, वो बात अलग, अलग अलग स्टेट्स की सरकारें अपने अपनी तरफ से इसकी कोशिशें कर रही हैं, और सबसे आगे जो चल रही है इस कोशिशों में वो उत्तराखंड की सरकार है। अब अगला सवाल जो यहाँ पर बनता है कि आर्टिकल 44 ने तो कह दिया, फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यूसीसी लेकर क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता अधिकार लोगों को दे, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सवाल यह आता है कि आर्टिकल 25 ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि भाई आपको अधिकार है, आप अपने धर्म में रह सकते हो, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बचा सकते हो, उसके जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो कर सकते हो। तो जो विरोधी पक्ष है, अगर सवाल ये निकल के आता है कि विरोध क्यों हो रहा है, तो विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको लगता है, जो खासतौर पर धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि जब हमारे देश का संविधान हमें ये स्वायत्तता देता है कि आप अपने धर्म में रह सकते हो, उसकी रक्षा कर सकते हो, उसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हो, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। दूसरा क्या है, वो ये भी तर्क देते हैं कि हमारे देश की जो ब्यूटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको भी ठेस पहुंचेगी अगर पूरे देश में इस तरह का समान नागरिकता अधिकार कानून लागू होता है। तो अगर ऐसा हुआ, अगला सवाल जो मेन सवाल निकल करके आता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर देश में क्या क्या चीजें, बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहला बदलाव जो धार्मिक चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल शादी संबंधी जो बातें हैं, उनके नियम कायदे बदल जाएंगे और वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से नहीं होंगे, जो देश में नियम लागू होगा शादी को लेकर के वही रूल सबको फॉलो करना पड़ेगा। रही बात संपत्ति के बंटवारे की, तो वो भी अभी अलग अलग रिलीजन के हिसाब से संपत्ति के बंटवारे का अधिकार है, मुस्लिम्स में अलग है, हिंदुओं में अलग है, वो भी बदल जाएगा और पूरे देश में जो रूल रेगुलेशन चलेगा, जो नियम कायदा चलेगा, सबको वही फॉलो करना पड़ेगा। अब सवाल जो लास्ट सवाल मेरा है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आपको क्या लगता है, यूसीसी एक सही कदम है सरकार का, या फिर ये गलत कदम है, या फिर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके इसको लागू करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि देश के हित में है या देश के अहित में है, या फिर थोड़े बहुत बदलाव करके इसको लागू कर दिया जाए तो बहुत अच्छा भी इसका रिजल्ट हो सकता है, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अच्छी अगर वीडियो लगी है, समझ में आई है, तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।